आज का डिनर तो शॉर्ट शॉट है सूर्या वाला, तो एक्चुअली उसके लिए तो आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए। हाँ, कमाल का दो कैच हो गया कि कुलदीप का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैच था डिकॉक का, मगर सूर्या का कैच आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि मैच गेम चेंजर बोलते हैं ना हमें, वो गेम चेंजिंग मूवमेंट था जिधर अपने को वो मौका मिला। दिलीप भाई, ये पूरा जो सफर रहा है दो साल का आपका, Yes, Dilip sir, how do you look at the entire tournament and especially how much the fielding has helped the Indian team pass through difficult phases as well? How much fielding has helped, it's up to you people to see. But one thing I liked about is, irrespective of the conditions we played, New York had a different conditions, Florida has a different condition, West Indies had a different conditions. But one great part of this team is, they adapted really well for the different surfaces, and there's a wind always comes into play in West Indies. So they adapted really well, and we never let our intensity go, irrespective of things. And one thing great about this team is camaraderie between each other. There's always somebody helping each other, working as a fielding unit is something special to see. Dilip, like, what goes into a catch like Surya's? Like, can you just explain? If you ask about Surya's catch, he would have already taken 50 catches in the practice like that. But in a match, when that moment comes, it's his decision and the awareness of rope. That's very important. Awareness of rope and knowing and confidence that he can throw it and come it up. It's a decision making at that point of the time. He was gone on at that point of the time. Dilip bhai, when you're having day matches yahan par hain aur white ball, white sky, white clouds, kitna difficult ho jata hai high catches? Especially जब क्लियर स्काई होता है डेफिनेटली तकलीफ होता है, बट हम उसके लिए भी हम बोलते हैं कि बॉल को ट्रैक करो ताकि तुम्हारे को इतना एंकर पॉइंट मिले कि एक अगर क्लाउड मिला या फ्लड लाइट मिला है किसी का एंकर पॉइंट मिल गया तो देन इट्स इज ईजी फॉर द ट्रैक, बट डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी टू डू, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम सब कॉन्टिनेंटेड डू इन स्काई वेर इज क्लियर स्काई। दिलीप भाई, ये कितना चैलेंज होता है कि जब आपके पास एस्टैब्लिश प्लेयर होते हैं उनका एक सर्टन फील्डिंग स्टैंडर्ड पुराने टाइम से, और नए खिलाड़ी, इजी या डिफिकल्ट क्या रहा था नए प्लेयर से हैंडल करना या पुराने जो हैं उनको? बट इसमें पहली बात मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ प्लेयर्स के लिए, बिकॉज इतना शेड्यूल में भी फिर भी उन लोग जब ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है मोस्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस सेशंस उसमें उन लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, सो दैट्स अ क्रेडिट फॉर द प्लेयर्स। दूसरा होता है कि हम लोग ने सिस्टम से आते हैं जो इंडिया ये खेलते हैं एनसीए में उधर ऑलरेडी करके आते, मगर इधर हम लोग क्या करते मौका मिले जब फाइन ट्यून करना है, जब नहीं खेला तो थोड़ा हार्ड वर्क करना है। बट वन ग्रेट पार्ट ऑफ दिस टीम इज ये कॉम्बिनेशन है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है और यूथ का कॉम्बिनेशन है, सो दिस दे रियली जेल्ड वेल टुगेदर। दिलीप सर, शेड्यूलिंग कितना बड़ा चैलेंज था? ऑब्वियसली हमारा भी काफी क्रेजी शेड्यूल था एज क्रिकेटर्स, एज सपोर्ट स्टाफ, कितना मुश्किल था सुपर एट स्पेशली, टर्न अराउंड टाइम कुछ भी नहीं था। इफ यू टॉक अबाउट अडैप्टेबिलिटी, आई फील आई रेट इंडियन टीम ऑलवेज हायर, बिकॉज हम लोग को पता है ये शेड्यूल, तो हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि भाई इसका टाइम कम है, ऐसा नहीं, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई सेड। ये पूरा जब बैक टू बैक मैचेस है जिधर हम लोग को गैप कम है, फिर भी बैक टू बैक मैचेस में वो इंटेंसिटी मेंटेन करना, वो इससे करना है, दैट्स अ ग्रेटनेस ऑफ द टीम। वन वर्ड ऑन ऋषभ पंत एंड हिज विकेट कीपिंग, 17 महीने के बाद आया, नी उनका जो है पूरी तरीके से लगभग रीस्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद इतने इंटेंसिटी के साथ मैचेस खेलना, बैक टू बैक मैचेस खेलना, एक आईपीएल खेलना, उनके विकेट कीपिंग और उनके बाद सबसे पहली बात है जब वो आता था मैं सोच रहा था सबसे बड़ा चैलेंज होगा विकेट कीपिंग, बट रियल क्रेडिट आया, मैं सरप्राइज हो गया एक्चुअली आईपीएल में देखते मैं, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप उसके बाद में है, तो आई वॉज फॉलोइंग आईपीएल, द वे ही डिड कपल ऑफ लेग स्टंप स्टंपिंग्स एंड द कॉट बिहाइंड्स, एंड सबसे बड़ा चैलेंज था वो बैठ पाएगा पूरा, क्रेडिट टू हिम, बट बिकॉज आई हैव सीन बिटवीन एट एनसीए ही रियली वर्क हार्ड इन हिज फिटनेस एंड हिज स्किल्स, स्किल तो उसके पास कभी भी है, बट हाउ डिज द बॉडी सपोर्ट हिम, बट क्रेडिट टू हिम द वे ही सपोर्टेड, बट बाकी चीज़ हम लोग थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस, ये विकेट पे इधर क्या ज़्यादा आता है तो उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस